नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं सप्लीमेंट्स रिलेटेड हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट खरीदते टाइम आपके काफ़ी काम आने वाली हैं। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज मतलब मैं एक बार फिर से अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट पा के, इतनी ज़्यादा मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई इतना प्यार दिखाते हैं। मेरे पास तीनों भाई आए हैं रोहतक से। जी हाँ दोस्तों, 150 किलोमीटर पड़ता है हमारे यहाँ से रोहतक। रोहतक से स्पेशली आए हैं ओरिजिनल सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए। और इन्होंने दो बार ट्रेन चेंज की, पहले दिल्ली आए, दिल्ली से फिर ये जो है पलवल के लिए आए। तो दोस्तों मैं जब कोई भाई इतना प्यार दिखाता है तो मैं मतलब बहुत ही जो है खुश होता हूँ और अपने आप को लकी फील करता हूँ कि मतलब सच में मैं बहुत खुश हूँ आज। तो मैं सबसे पहले जो है भाइयों का स्वागत करूँगा। भाई आपका बहुत बहुत वेलकम है। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत वेलकम। तो भाइयों का स्वागत करूंगा और मैं जो है अब भाइयों से जानूंगा कि वो क्यों आए। और हाँ, एक और इंसिडेंट जो हुआ कि जब भाई मेरे पास आए, बेसिकली क्या है कि हमारे जो हरियाणा है उधर साइड का, रोहतक आपका पानीपत सोनीपत जो ये साइड होती है, इस साइड का जो हरियाणा है, यहाँ की बोली बहुत ही खड़ी होती है। मतलब ये भाई मेरे पास आए और उन्होंने वो जो है अपनी लैंग्वेज में मेरे से बात की, तो मुझे तो स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा कि शायद मेरे से लड़ने के लिए ये आए हैं भाई। बट फिर धीरे से फिर मैंने जो है मैंने बोला भाई मुझे थोड़ा कम समझ आ रहा है, अब थोड़ा सा मतलब नॉर्मल जो हिंदी है वो उसमें मेरे को बताओ। तो भाइयों ने जो है मेरे को समझाया, देन मैं इनकी बात समझा। तो सबसे पहले हम भाइयों से ही जानेंगे कि भाई इतनी दूर से क्यों आए हैं, अपने नाम बताएंगे ये और सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ताकि आप भी थोड़े अवेयर हो सकें। तो भाई बताइए आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? भाई मैं गांधरा से आया हूँ, रोहतक से, प्रोटीन वगैरह लेने। लेकिन वहाँ भी बहुत ही दुकानें थी, लेकिन वहाँ भरोसा नहीं था। लेकिन यहाँ पे इस भाई की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो इस पे भाई पे भरोसा हो गया था, तो इस करके हम ये प्रोटीन वगैरह लेने आए। और नाम क्या है भाई आपका? नाम पवन नाम है भैया। भाई आप? भाई पहले से भी भाई राम राम। भाई मेरा नाम है मोहित और भाई मैं भी भाई के साथ आया हूँ। और भाई हमने भी रोहतक में बहुत सारी दुकाना पे भाई देखा था, अगले भाई देखेंगे, पर वो जो पक्का बिल हो है और भाई सेटिस्फेक्शन की बात हो है वो भाई नहीं बनी। तो हमने भाई की वीडियो देखी यूट्यूब पे, भाई सप्लीमेंट विला अपनी शॉप का नाम है, भाई का नाम सुमित शर्मा है। और भाई यहाँ पर आए हाँ हमें, तो भाई ने भाई हमारे तो बहुत अच्छी तरह समझाया है और भाई ने अपना पूरा विश्वास दिखाया भाई हमारे पे। तो भाई हम भाई दौरे सामान लिया है, अब देखेंगे भाई के रिजल्ट रहेगा, भाई 100% रहेगा हमारे हिसाब से। भाइयों मेरा नाम प्रवेश है, मैं अपने भाइयों के साथ आया हूँ। इन्होंने सजेस्ट किया था कि पलवल में अच्छी दुकान है, वहाँ से लेके आएंगे। हमने रोहतक में कई जगह ट्राई किया पर वही मन को शांति नहीं मिली, इसलिए भाइयों के साथ यहाँ पे आया। यहाँ पे भाई ने अच्छी तरह से ट्रीट करके जो हमारे लिए अच्छा था, बेटर था, वो हमें सजेस्ट किया है। और आप हम भाइयों भाई ने जो बताया उसके हिसाब से इस्तेमाल करके फिर देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा। जो भाई ने बताया उससे तो 100% रिजल्ट मिलेगा हमें। तो दोस्तों आपने देखा और सुना कि भाइयों ने क्या आपसे जो है शेयर किया। दोस्तों ये विश्वास, जब आप ये विश्वास सप्लीमेंट विला के ऊपर दिखाते हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल नहीं मैं कहूँगा 10 times ज़्यादा हो जाती है कि आपको जो है ओरिजिनल सप्लीमेंट्स हम प्रोवाइड करा सकें। कोई भी मतलब जो है आपको कोई मिस्टेक आपके साथ ना हो, इस तरीके से हम अपने चैनल पर भी आपको जो है पूरी तरीके से गाइड कर सकें, ताकि आपको हमेशा ओरिजिनल सप्लीमेंट्स से रिलेटेड जानकारी रहे। और ओरिजिनल सप्लीमेंट्स तो आपको सप्लीमेंट विला पर हमेशा मिलेंगे ही। भाई इतनी दूर से आते हैं, इन्होंने बताया कि भाई मतलब जो है नकली सप्लीमेंट का इतना बड़ा माफिया है। और दोस्तों ये है भी, क्योंकि अगर आप या मैं अकेला ये सोचूंगा, मैं सोचने लगूं कि भाई मैं जो है अकेला इस माफिया से लड़ सकता हूं, तो इम्पॉसिबल है। और अगर अगर आप भी अगर पर्टिकुलर अलग अलग लड़ने की सोचेंगे तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। इस जो फेक माफिया के अगेंस्ट हमको सबको मिलकर आना पड़ेगा। और वो मिलकर कैसे आना है, कोई ऐसा नहीं है हमको कोई फिजिकल फाइट करनी है उनसे, हमें अपनी नॉलेज अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करना है, हमको फोकस करना है ओरिजिनल सप्लीमेंट का कि हम ओरिजिनल सप्लीमेंट ही ले पाएँ। हमको फोकस करना है कि हम एक एक इन्फॉर्मेशन जान पाएँ कि कैसे फेक और ओरिजिनल में डिफरेंस करना है। और ये सारी अब जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं वो अपनी वीडियोस पे आपको टाइम टू टाइम बताता ही रहता हूँ। तो दोस्तों आप जब अवेयर रहेंगे, नॉलेज पूरी रहेगी, तो फेक माफिया जो है आपके सामने फिर हारता हुआ नज़र जरूर आएगा। तो आपको कभी भी जो है नकली सप्लीमेंट नहीं लेने, हमेशा ओरिजिनल सप्लीमेंट लेने हैं। और सप्लीमेंट विला का तो गोल है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो आप को ओरिजिनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करा सके।
अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और जो है एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, वो ये करूँगा कि यहाँ आप जो है तीनों भाइयों को देख रहे हैं, पवन भाई, मोहित भाई और प्रवेश भाई, ये तीनों भाई देख रहे हैं। दोस्तों इन्होंने जो मेरे से शेयर किया, इनके तीनों के गोल अलग अलग हैं और उसी गोल के हिसाब से मैंने इनको सप्लीमेंट सजेस्ट किए हैं। दोस्तों अगर हम पवन भाई की बात करते हैं, पवन भाई ने मेरे से बोला कि भाई मेरे को जो सप्लीमेंट चाहिए वो चाहिए ऐसा कि मेरे को बॉडी में फैट बिल्कुल ना आए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी फैट है, मेरे को बॉडी में कटिंग चाहिए, तो उसके हिसाब से आप कोई सप्लीमेंट सजेस्ट करो। और मोहित भाई की बात करते हैं तो मोहित भाई ने मुझे बोला कि सर मेरे को क्या है कि साइज भी चाहिए और शेप वाला साइज चाहिए, मतलब मेरे को शेप भी आए, साइज भी आए, और अगर थोड़ा बहुत 1-2 किलो या 3 किलो तक वेट भी बढ़ता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोहित भाई यही था आपका गोल। और अब बात आती है प्रवेश भाई की। प्रवेश भाई ने मुझे बोला कि सर मेरा मेन फोकस है वजन बढ़ना, क्योंकि मेरी बॉडी स्किनी है, मेरे को वजन बढ़ाना है पहले। और इन्होंने मेरे से शेयर भी किया कि जो है जल्दी ही इनकी शादी भी होने वाली है, तो उसको लेकर भी ये काफ़ी जो है मतलब मन में इनके काफ़ी डाउट्स हैं कि भाई मेरा जो है अच्छा लगना चाहिए शरीर, सभी को लगता है ऐसा। बट दोस्तों ये जो मतलब ऐसा नहीं है, मैं प्रवेश भाई को भी बोलूँगा और आपको भी मैसेज दूंगा कि ऐसा ना किया करें कि जब शादी आती है जब भी आपको वजन बढ़ाना या घटाना है, आप जो है अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दें, अपनी बॉडी गोल्स को आप नॉर्मल भी अचीव कीजिए। तो तीनों का गोल अलग अलग। अब दोस्तों इन तीनों के मतलब आप ये तीनों ही आपके सामने एग्जांपल हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हमारे पवन भाई जैसे होंगे, जो चाहते हैं कि भाई मतलब मेरा फैट बिल्कुल भी ना बढ़े, बॉडी में कटिंग आ जाए, वजन मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों आपको हमेशा आइसोलेट प्रोटीन लेना चाहिए। पवन भाई को भी मैंने आइसोलेट प्रोटीन सजेस्ट किया, मैंने ये रहा पवन भाई ये मैंने पवन भाई को सजेस्ट किया आइसोलेट प्रोटीन, आइसो सेंसेशन मैंने इनको सजेस्ट किया। तो दोस्तों आइसोलेट प्रोटीन क्या काम करता है, आइसोलेट प्रोटीन मतलब जैसे पवन भाई हैं, इनकी मसल्स को जो है रिपेयर करेगा, इंस्टेंट रिकवरी देगा, और इनको जो है कह सकते हैं कि कटिंग वाला जो इनका गोल है कि बॉडी में शेप आए, कटिंग आए, तो वो जो है इनकी बॉडी में आएगी। इसके अलावा जो है पवन भाई ने अपनी मर्जी से भी जो है क्या चूज़ किया था, पवन भाई आप दिखाइए प्लीज़। एक तो BCAA दोस्तों पवन भाई ने BCAA जो है चूज़ किया। इन्होंने मेरे से बोला था कि इंट्रा वर्कआउट भी मेरे को कोई ऐसा सप्लीमेंट दो जो मेरी मसल भी रिपेयर करे, जो मेरे कटिंग में भी हेल्प करे, तो इन्होंने BCAA लिया। ये ओमेगा 3, एक भाई ने ओमेगा 3 लिया है जो कि इनकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को इंक्रीज कराएगा, क्योंकि इनको कार्डियो वर्कआउट भी करना है, क्रॉसफिट भी करना है, तो उस कंडीशन में इसका काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है। और फिर इन्होंने लिया एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट। दोस्तों मल्टीविटामिन सप्लीमेंट तो जैसा मैं बता ही चुका हूँ कि कॉमन सप्लीमेंट है, आजकल इतनी डाइट नहीं हो पाती है। और पवन भाई का जब गोल है कि वेट लॉस के साथ साथ कटिंग वाली बॉडी, मसल्स की शार्पनेस इनकी आए, तो उस कंडीशन में मल्टीविटामिन ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकी डाइट जो है वो इतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक डाइट प्लान जो इनका चलेगा वो चलेगा इनका कटिंग वाला डाइट प्लान की भाई इनकी बॉडी जो है मसल्स ज़्यादा हम फोकस कर पाएँ और कम से कम फैट इनकी बॉडी में आए। तो उस हिसाब से डाइट प्लान जब चलेगा तो उस कंडीशन में मल्टीविटामिन जो सप्लीमेंट है इसकी नीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन्होंने ये जो है चूज़ किया। दोस्तों अगर आपका गोल भी है पवन भाई की तरह कटिंग निकालने का, एक लीन मसल्स डेवलप करने का, तो आपको जो है ये सप्लीमेंट स्टैक आप ले सकते हैं, मैं आपको भी सजेस्ट करता हूं। अब बात करते हैं हम मोहित भाई की। तो दोस्तों मोहित भाई ने जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो गोल था, इनका गोल था कि चाहे मेरा वजन थोड़ा बहुत बढ़ जाए, यहाँ पर एक पॉइंट जो है ध्यान रखने वाला है कि थोड़ा बहुत बढ़े 2-3 किलो और इनके मसल साइज पे फोकस रहे। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने इनको सजेस्ट किया गेनिंग प्रोटीन। गेनिंग प्रोटीन में जैसा कि आपको पता ही है कि इस टाइम जो नंबर 1 प्रोटीन चल रहा है गेनिंग प्रोटीन में, पवन भाई मोहित भाई सॉरी आप दिखाइए एक बार, वो चल रहा है आपका RC Proantium। जी हाँ दोस्तों RC Proantium इस टाइम मोस्ट मतलब डिमांडिंग गेनिंग प्रोटीन्स मैं कह सकता हूँ। तो मोहित भाई ने ये जो है मैंने इनको सजेस्ट किया, इन्होंने यही सिलेक्ट किया। इस प्रोटीन में इनको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन फॉर्म मिलेंगी कंसंट्रेट, आइसोलेट, कैसीन, मतलब सारी फॉर्म मिलेंगी। और इसमें आप जो मोहित भाई हैं इनको क्रिएटिन भी मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपका गोल भी है मोहित भाई जैसा कि आपको जो है 2-3 किलो वजन बढ़ जाए बॉडी में, फिर जो है मसल्स की ग्रोथ हो, तो आपको जो है RC Proantium दी बेस्ट सप्लीमेंट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने जो है मोहित भाई को एक डेली फॉर्मूला मल्टीविटामिन जो है सजेस्ट किया है,
क्योंकि इनकी डाइट भी जो है उसी हिसाब से चलेगी कि भाई ज़्यादा फैट इनकी बॉडी में ना आए, क्योंकि गोल है इनका कि वजन बढ़े बट 2 या 3 किलो, तो मल्टीविटामिन इनको काफ़ी सपोर्ट करेगा। और दोस्तों अगर आपका गोल भी है इसी तरीके का तो आपके पास भी ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है। और अब बात करते हैं हम परवेश भाई की, तो परवेश भाई की बॉडी है स्किनी। अगर आपकी बॉडी भी स्किनी है, अगर आपको भी इजीली वेट पुटॉन नहीं हो पाता है, तो दोस्तों मैंने पहले भी इसको लेकर वीडियो बनाई हुई है, मैं अब आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपका गोल अचीव होगा गेनर से, मास गेनर से। जी हाँ दोस्तों, मास गेनर में भी जो पवन भाई को मैंने सजेस्ट किया, पवन भाई ने बोला मुझे कि सर आप भाई आप कोई एक ऐसा मुझे मास गेनर बताइएगा जिसमें प्रोटीन कॉन्टेंट ज़्यादा हो, तो मैंने इनको सजेस्ट किया है दोस्तों RC का किंग मास। पवन भाई दिखाइए एक बार आप, परवेश भाई ये RC का किंग मास मैंने इनको सजेस्ट किया है क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा है। अगर हम मास गेनर्स की बात करें, इसकी एक सर्विंग में ही जो कि 2 स्कूप की है उसमें 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा दोस्तों। 30 ग्राम प्रोटीन मतलब वे प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स आते हैं उनमें मिलता है 30 ग्राम प्रोटीन, तो इसमें प्रोटीन इतना अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलेगा। इसमें जो है इनको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, एक मिनिमम मॉडरेट क्वांटिटी में फैट मिलेगा, विटामिन्स मिनरल्स सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि इनके शरीर को भरने में, इनका वेट इंक्रीज कराने में इनकी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो दोस्तों जो अगर आप भी कोई एक ऐसा सप्लीमेंट चाहते हैं जो कि आप जिसमें प्रोटीन कॉन्टेंट ज़्यादा हो, जिसमें जो है आपका गोल हो मास गेनिंग का, वेट गेनिंग का, तो RC किंग मास आपके पास काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। और उन्होंने जो दूसरी चीज मैंने जो इनको सजेस्ट की, इन्होंने मुझसे बोला कि सर मतलब ड्यूरिंग वर्कआउट मुझे एनर्जी के लिए कुछ चाहिए, तो मैंने इनको जो है ग्लूकोज सजेस्ट किया कि आप ग्लूकोज ले लीजिए क्योंकि यहां पर जो है हमको कैलोरीज तो हमको लेनी ही लेनी है और हमको एनर्जी भी चाहिए, तो उस कंडीशन में ग्लूकोज सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो है ऑप्शन है परवेश भाई के पास और आपके पास भी। और इनका जो डाइट प्लान चलेगा दोस्तों, इनका डाइट प्लान हैवी चलेगा जिसमें हम इनको जो है मैक्सिमम कैलोरीज प्रोवाइड करा सकें, ऐसा जो है इनका डाइट प्लान चलेगा जिसमें इनका जो है कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट भी आएगी, प्रोटीन डाइट आएगी, फैट डाइट भी आएगी, विटामिन्स मिनरल्स सारी चीजें इनकी डाइट में ही कवर में जो है कराने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए उस कंडीशन में जो है मल्टी विटामिन सप्लीमेंट जो है मुझे लगा नहीं कि परवेश भाई के लिए नेसेसरी है, तो इसलिए मैंने इनको सजेस्ट नहीं किया और इन्होंने मेरे से जो है उसकी डिमांड भी नहीं की। तो दोस्तों अगर आपका गोल भी है परवेश भाई जैसा कि वजन इंक्रीज होना है, शरीर भरना है, मेरे को स्किनी बॉडी है, इजीली जो है वेट पुट ऑन नहीं हो पाता खाने पीने से, तो आपको भी जो है मास गेनर लेना है। और मास गेनर आप हाई प्रोटीन वाला ले लीजिए मास गेनर, अगर आप वेट गेनर को अवॉइड करना चाहते हैं कि भी ज़्यादा फैट ना आए, तो ये हाई प्रोटीन मास गेनर है, 30 ग्राम प्रोटीन है, तो ये ऑप्शन आपके पास दी बेस्ट है अगर आपका गोल भी है परवेश भाई जैसा। तो दोस्तों तीनों ही मतलब मैं कहूँगा त्रिमूर्ति आज हमारे सामने बैठ गई हैं, तीनों का अलग अलग गोल, और आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से सभी का गोल इसी तरीके का होगा। किसी को जो है वेट लॉस करना है, कटिंग चाहिए बॉडी में, किसी को जो है 1-2 किलो वजन चाहिए बट मसल साइज चाहिए, और किसी को भाई मसल साइज भी चाहिए और वजन भी भर के बढ़ना चाहिए। तो त्रिमूर्ति मेरे सामने बैठी हैं रोहतक से आई हुई, और दोस्तों मैं जो है इन तीनों भाइयों का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत इनका धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया इनको वीडियो बनाने के लिए और भाइयों ने जो है मेरी रिक्वेस्ट मानी, तो इसके लिए मैं इनका जो है थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा दिल से, और इनको जो है थैंक यू करता हूँ। और दोस्तों ये वीडियो जो है आपके भी बहुत काम की है, और क्योंकि तीनों ही त्रिमूर्ति जैसे मैंने बता दी आपको तीनों ही बैठे हुए हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि हर किसी का गोल जो है इन तीनों में से किसी एक तरीके का होता है, तो आपको ये वीडियो शेयर जरूर करनी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगी, अवेयर रखेंगी मार्केट में अवेलेबल हर एक सप्लीमेंट से। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू डाइटरी सप्लीमेंट या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और त्रिमूर्ति का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ दोस्तों, नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।